पूर्व विधायक स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैथवार के छठवें पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को सिविल लाइन स्थित आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पूर्व विधायक स्वर्गीय केदार सिंह सैथवार की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, भाजपा के विधायक महेंद्र पाल सिंह, अवधेश यादव, राजेश सिंह, पन्नेलाल यादव, विजय बहादुर यादव, राहुल गुप्ता, जयाउल इस्लाम, बिंदा सैनी सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेतागण, महिला मोर्चा के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज हम पूर्व विधायक स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैथवार जी की श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। वो एक महान समाज सेवी थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा, आदरणीय बाबूजी के पुत्र अजय सिंह राकेश जी से निवेदन करना चाहता हूँ, और राजस्थान से विधायक है माननीय महेंद्र पाल सिंह, जो विधायक मोहन सिंह से भी निवेदन करना चाहता हूँ, भाई किसान सिंह से निवेदन कर, यादव जी जिलाध्यक्ष सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय मंत्री से समाजवादी पार्टी के बहुत ही गौरवमयी बहुत ही सम्मानित मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये भी भारत के चीफ गेस्ट से निवेदन करना चाहता हूँ। स्वर्गीय केदार सिंह मर रहे हैं, स्वर्गीय केदार सिंह मर रहे हैं। सम्मानित साथियों, चीफ गेस्ट के आने के बाद करना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम आपका है, आप स्वर्गीय केदार सिंह के अनुयायी हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कुर्सियों पर अपना स्थान सैथवार से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे बीच में हम स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जो राजनीतिक थे, समाज सेवी थे, उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम सबसे पहले गोरखपुर की महान जनता को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने झूठ और सच्चाई पर चुनाव किया कि सच क्या है और झूठ क्या है। जो वादा खिलाफी की थी सरकार ने, उस वादा खिलाफी के खिलाफ सबसे पहले गोरखपुर की जनता खड़ी हो गई और उसका पूरे देश में संदेश गया, जिस संदेश से आज अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी है और वहाँ पर विपक्ष के लोग चुनाव जीते हैं। 2019 का चुनाव इस देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में जनता फैसला ले रही है। लगातार जो भी देश में चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से निकलकर देश के अन्य राज्यों में भी समाजवादी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आगे 2019 चुनाव में परचम लहराएगी। इसीलिए तो ये हश्र हुआ है उनका कि गोरखपुर में, पूरे प्रदेश में, चाहे नूरपुर हो, चाहे कैराना हो, चाहे फूलपुर हो, लोग देखते हैं कि जो नेतृत्व है वो नेतृत्व की कार्यशैली क्या है, वो कार्यशैली कितनी प्रभावी है। विकास चाहती है जनता, रोजगार चाहती है जनता, किसान अपनी फसल का मूल्य चाहता है, उन सवालों से ध्यान हटाने का काम योगी जी करते रहते हैं। इसीलिए हश्र हो रहा है, हम लोग तो मनाते हैं कि योगी जी बने रहें 2019 के चुनाव में, तो हम सब लोग पूरी तरीके सफल हो जाएंगे।